नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरे वीडियो का कंटेंट है IPC 8060 का सेक्शन नंबर 19, जिसमें हम जज की परिभाषा को बताते हैं कि जज कौन है। जज हम किसे बोलेंगे? जज हम उसे बोलेंगे एक तो जिसको जज की उपाधि मिली हो, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर वो जज बनता है, ठीक है, उसको जज बोलेंगे। दूसरा जज हम उसको बोलेंगे जैसे जिसकी जजमेंट पास हो गई हो हायर अथॉरिटी से। जैसे हम एक तरह से कहते हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, उसमें क्या होता है कि एक मजिस्ट्रेट है, उसने क्या करा कि उसके पास कोई फाइल आई किसी केस की और उस पर उसने जजमेंट नहीं दिया, मतलब कि उसने ऐसे ऐसे देखा, हाँ हाँ ये चीज़ है, और उसको पास ऑन कर दिया। तो अभी तक तो वो जजमेंट, अभी तक वो जज नहीं है क्योंकि उसने पास कर दिया। अगर उसने ये कहा कि नहीं भैया इसने फलना फलना केस है और इसमें इस तरह से किया है, तो उसके उस पर मतलब कि इतने रुपए का हम उस पर दंड लगाते हैं। या मान लीजिए कि कभी हम देखते हैं ट्रेन की विदाउट टिकट जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो उसमें मजिस्ट्रेट हमारे को पेनल्टीज लगाता है। तो जो पेनल्टीज लगा देता, भैया ये तो तुमने किया है, ये तेरी गलती है, जहाँ पे उसने गलती बता दी और वो उसको फाइनल कर दिया, तो वहाँ पे फिर हाँ कि वो उसने जजमेंट कर दी कि भैया ये है। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या होता है, सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं उन्होंने, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, हमारे आज से दो पहले इन दिल्ली में जो भी कांड हुआ था उसमें आपने देखा ही होगा कि उसमें क्या होता है कि पहले जजमेंट पास होती है। जजमेंट पास होने कहाँ जाती है, जज ने जजमेंट करी, वो जजमेंट पास होने के लिए गई हायर अथॉरिटी यानी कि हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसे पढ़ा गया कि हाँ भैया इस बंदे ने ये कृत्य किया और इस मंशा के साथ किया और इतनी क्रूरता के साथ किया। मंशा भी देखी जाती है, क्रूरता, मंशा और क्रूरता दोनों देखी गई, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद इस सेशन कोर्ट के जज ने इसको पास किया कि हाँ भैया इसको फांसी की सजा होनी चाहिए इन चारों को, तो उसको कंफर्म कर दिया। जब उसने कंफर्म, जब हाई कोर्ट के हमारे माननीय ऑनरेबल जजेस ने उसको पास कर दिया, तब वो सेशन कोर्ट के जो जजमेंट दी थी वो जजमेंट उस जज के द्वारा दी गई थी, तो हम उसको जज कहेंगे। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ जजमेंट पास हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, जो भी दे रहा है मजिस्ट्रेट दे रहा है, हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के दे रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं, जो भी, वो सारी की सारी जो जजमेंट दे रहा होगा वो जज होगा, इन सबको हम जज कहेंगे। और अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि पंचायत को क्या, जैसे कि एक इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि एक कलेक्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिशियन इन द सूट अंडर 810 ऑफ 1815 इज अ जज। मतलब कि एक कलेक्टर को एक्ट 10 में 1859 के उसमें जज माना गया है। पंचायत को कब माना गया, ए मेंबर ऑफ द पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ द मद्रास कोड, मद्रास कोड 1816 रेगुलेशन नंबर 17 के को ध्यान में रखते हुए उस पंचायत को भी जज माना गया है। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी और मेरी ये मेरी इस लैंग्वेज से आपको कुछ समझ आया, तो पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको समझ आया, और मेरे को भी बहुत प्रशंसा है कि मैं आपको उसको समझा सका। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरे को इतना टाइम देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।